हेलो गाइस, तो इस हफ्ते सिनेमाघरों में दो मूवी रिलीज हुई है, टंकी और सलार, जिसको फैंस में लेकर काफ़ी ज़्यादा एक घमासा मचा हुआ है। दोनों ही फैंस आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं, लेकिन यार दोनों ही मूवी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। जहाँ टंकी का बजट 120 करोड़ है, वहीं सलार का बजट 300 करोड़ रुपये है। तो बात करते हैं पहले सलार की। तो सलार एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरी मासी मूवी है, जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा और इस मूवी को देखते समय आपको काफ़ी ज़्यादा गूजबम्स आने वाले हैं, बिल्कुल KGF की तरह। जी हाँ, तो बिल्कुल KGF वाइब है इस मूवी की, सलार इज द बेस्ट। तो बात करें टंकी की, तो टंकी बिल्कुल ही राजकुमार हैनी की मूवी की तरह है, बिल्कुल जो आपको हंसाएगी भी और जो आपको रुलाएगी भी। जी हाँ, सो टंकी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स भी है और काफ़ी ज़्यादा हंसाने वाले सीन्स है, जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो ये मूवी भी काफ़ी बेस्ट है, बिल्कुल राजकुमार हैनी की सभी मूवियों की तरह। तो ये मूवी बिल्कुल ही आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ दोस्तों, दोनों ही मूवी काफ़ी ज़्यादा ही लेवल की वाली मूवी है, जो आपको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैसे वसूल हो गए हैं। जी दोस्तों, दोनों ही मूवी आपको जाकर देखनी चाहिए। अगर मेरे से पूछे तो फर्स्ट आपको सलार देखनी चाहिए और सेकंड टंकी। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।